CN2 आदि etc N2 O2 H2 CN2 आदि ये द्विपरमाणु गैस है, दो परमाणु जुड़े रहते हैं इनके, H2O लिख ठीक है, कोमा लगा के लिखो, कुछ तीन त्रिपरमाणु लिखे जैसे ओजोन O3, कुछ त्रिपरमाणु लिखे त्रिपरमाणविक है जैसे ओजोन, ब्रैकेट में लिखना सूत्र क्या है O3, इसके अलावा P5 तथा S8 भी होते हैं, इसका मतलब फास्फोरस कितने परमाणु है 5 और सल्फर के 8, इसके अलावा P5 तथा S8 भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन नंबर जो भी है कौन सा है, चौथा है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सभी परमाणु स्वतंत्र रूप से अभिक्रिया करते हैं, सभी परमाणु स्वतंत्र रूप से अभिक्रिया करते हैं, स्वतंत्र रूप से अभिक्रिया करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि एक एक परमाणु दूसरे पदार्थ के एक एक परमाणु से क्रिया करता है स्वतंत्र रूप से, सब फ्री होकर के तब जाके अभिक्रिया होती है। ये था जॉन डाल्टन, अभी तो वही रखिएगा, मुझे तो कुछ कुछ हो रहा है, क्या मिला है बाद में पिएंगे उसको क्लास के, कैसे विश्वास कर लेना था मुझे, मतलब तुम आज के दिन पता आज के तुम कर भी दोगे वो, और फिर बाद में कह रहे सर बुरा ना मानो होली है ना, ब्लेम भी नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर। अब देखो परमाणु है ना, इसकी संरचना नहीं पता अब तक किसी को कि परमाणु अंदर से कैसा है, उसकी रेडियस कितनी है, वो कितना बड़ा हो सकता है, उसमें नाभिक है कि नहीं है, प्रोटॉन है, कुछ नहीं पता अभी, केवल इतना कहा कि परमाणु है और वो इस तरीके से क्रिया करते हैं। बोल बता 1897 में एक व्यक्ति आया, उसका नाम था जे.जे. थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन नाम है सर, जे.जे. थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, 1897 की बात है। देखो अब तक तो हमें यही नहीं पता कि संरचना कैसी है, 1900 सदी के लास्ट में आ गया हूं। इसने क्या कहा कि मैं बताता हूं भाई परमाणु कैसा है, किस प्रकार से आप उसको समझेंगे कि परमाणु का आकार कैसा है, समझना कैसा है, इसने कहा परमाणु में तरबूज के समान, इसके समान है, इसने परमाणु को तरबूज मॉडल दिया, और इसी मॉडल का दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, पुडिंग एक मिठाई होती है, प्लम का मतलब बीज, आप ऐसे मान सकते हो कि लड्डू के अंदर काले मिर्च, ठीक है, या काजू कतली के अंदर जो वो डालते हैं छोटे छोटे दाने से दिखाई देते हैं आपको, पिस्ता, तरबूज मॉडल ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इस सबसे ज्यादा समझ। इसने कहा कि परमाणु की संरचना तरबूज के समान है, जिस प्रकार तरबूज के अंदर लाल रंग होता है वैसे परमाणु के अंदर धनावेश होता है, पॉजिटिव होता है, और जिस प्रकार तरबूज में बीज होते हैं वैसे परमाणु के अंदर ऋणावेश होता है, नेगेटिव होता है। नाम नहीं लिया इसमें, अभी तक इलेक्ट्रॉन नाम नहीं आया था, क्योंकि नाम नहीं दिया था थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ ऋणावेश शब्द लिया उसको इस्तेमाल, क्या बात है कही कि जिस प्रकार तरबूज में, जो कि संपूर्ण तरबूज में उसका लाल रंग होता है, ऐसे ही सारे के सारे परमाणु में उसका क्या फैला हुआ रहता है, धनावेश।
और जैसे तरबूज में बीज हैं, वैसे परमाणु में क्या होंगे? ऋण आवेश। नाम नहीं दिया, चलो बता दिया सबसे पहले इसने कि परमाणु में नेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता किसे कहा जाता है? लेकिन इलेक्ट्रॉन शब्द नहीं दिया था, इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया किसने? स्टोनी ने, इस वैज्ञानिक ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है उसका पता लगाया मिलकर ने, मिलकर ने तेल की बूंद पर प्रयोग किया और ये पता लगाया।